सो हेलो गाइज, मैं हूँ प्रियांशु और ये भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना बोया M1 जो माइक है ये कैसे सेटअप कर सकते हो अपने हेलमेट के ऊपर। तो काफ़ी मेजर एक इशू है भाई कि इसका तार इतना लंबा होता है ना, इतना ज़्यादा बड़ा तार है, यहाँ पे भी मिलता है आपको, यहाँ पे भी मिलता है। और ये एक इसका जो माइक और कैमरा में एडजस्ट करने का जो आता है स्मार्टफोन और कैमरा में, ये वाला एक बैटरी का जो पोर्ट आता है, ये सबको भी एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो बस इसी वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने हेलमेट के अंदर कर सकते हो सेटअप। ये गाइस देख लो, मेरे पास है स्टर्ट्स का थंडर मॉडल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आप लोग कैसे सेटअप कर सकते हो। तो मैं भी अभी पता नहीं है कैसे करना है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहना गाइस। ये सब पैडिंग वगैरह मैंने रिमूव कर दिया है, पीछे का भी पैडिंग मैंने रिमूव कर दिया है और बस अंदर में यहाँ पर कहीं जगह बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहो, देखो मैं आपको कैसे बताता हूँ उसको कैसे करना है। सो ये गाइस देखो, मैंने यहाँ पर हल्का सा गड्ढा करके, ये देखो भाई, एक ही कोई है नहीं साथ में हेल्प करने को। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हल्का सा स्क्रैच किया, हल्का सा। आप ये मतलब पूरा आर पार गड्ढा मत कर देना, क्योंकि क्या है कि ये प्रोटेक्शन के लिए ये होता है थर्माकोल अंदर में। तो इसके ऊपर हल्का सा बस एक शेप देना आपको, ताकि अंदर मूवमेंट ना करे। और इसके ऊपर आराम से आपको टेप से पूरा चिपका देना है इसके ऊपर। फिर उसके बाद आपको जो मेन एक्सेस वायर था वो यहाँ पर आ गया, अभी बाकी सारा वायरिंग को आपको राउंड 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 कर देना है। तो चलो मैं आपको वो कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहाँ पे सेट करना है गाइस। अब उसके बाद देखो, आपको यहाँ पे अंदर इसको टेपिंग कर देना है, उसके बाद जो भी इसका है लेयर उसको ऊपर से लगाते जाना है। तो ये वाला जो एक 3.5 mm का जो जैक होता है, वो आपको अपने GoPro के अकॉर्डिंग आपको ले लेना है कि इस साइड आपको चाहिए, इस साइड या इस साइड। बस उसके बाद फिर जाके ये आप एक तरफ ऐसे साइड कर दो, ताकि ये वायर आपका बाहर निकल जाए। और बस उसके बाद जितना भी वायर है आपको अंदर एडजस्ट कर देना है, जितना भी एक्सेस वायर अंदर आपको डाल के, उसके बाद ये जो क्लिप आता है ये क्लिप दोनों को लगा देना है। तो सारा वायर अंदर आ जाएगा और जो मेन वायर था वो इस पोजीशन में यहाँ पे अंदर में पीछे होगा, तो ये आपको अंदर चुभने भी वाला नहीं है अगर आप उसमें थोड़ा सा गड्ढा करके अंदर डालते हो। तो गाइस अब जो एक्स्ट्रा वायर है वो आपको इस साइड एकदम चिन के ऊपर के साइड, जहाँ पर आपका कान आने वाला है, उस साइड एकदम अंदर की तरफ पुश कर देना। वहाँ पे थोड़ा सा इतना जगह होता है जो माइक का वायर होगा। तो ये देखो माइक का वायर है, और ये जो इसका जो कंट्रोलर है वो आपको इधर ही रखना है, कि मान लो जैसे आपको अगर कभी ऑफ़ करके रखना है इसको, क्योंकि यार इसमें बैटरी लगता है। तो आप अगर मान लो आपको यूज़ में नहीं है तो इसको आप ऑफ़ कर सकते हो। तो ये ऑफ़ में हो गया, तो इसको अभी तो मैं ऑन कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरा में रिकॉर्डिंग करूँगा। तो इसको आपको इधर ही रखना है, कि अगर आपको ऑफ़ करना रहे तो आप यहाँ पर ऑफ़ कर दो। और ये अभी देख लो मूवमेंट में है, जब आप इसका पैडिंग लगा दोगे तो ये एकदम यहाँ पे एकदम बीच में जगह नहीं होता गाइस, यहाँ पे एकदम ऐसा चिपक के अंदर कोना में बैठा रहेगा अपना। तो ये अंदर में कुछ आपको इरिटेशन भी नहीं करने वाला है, और आराम से ये आप इसको एकदम इजीली हैंडल कर सकते हो। तो अभी मैं आपको लगा के इसको दिखाता हूँ कैसे करना है। ये देख लो गाइस, आराम से इसके अंदर बैठ चुका है। जब मैं चाहूँ इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, जब मैं चाहूँ इसको ऑन भी कर सकता हूँ। और ये आराम से काफ़ी अच्छा इसके अंदर सेटअप हो चुका है। ये वाला देख लो एक्सेस वाला वायर पीछे दिख रहा है आपको, और ये एकदम हिल भी नहीं रहा देखो गाइस। और ये जब हेलमेट मैं पहना हुआ तो अंदर में कुछ इरिटेशन भी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा जो ईयर है वो इधर आ रहा है। ये एकदम एम्प्टी स्पेस था, तो यहाँ के लिए लगता है इसके लिए ही ये बना हुआ था, कि यहाँ पे एक जगह में ये एंटर हो जाए काफ़ी अच्छा से। तो इसका माइक को जो है वो मैंने इधर सेटअप कर दिया, आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये माइक इधर से आ गया एक साइड, थोड़ा सा वायर इधर से निकल रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और ये काफ़ी अच्छा अंदर पैडिंग के अंदर विंड प्रोटेक्टर लगा के मैंने इसको अंदर लगा दिया, सेट कर दिया, जो कि वो भी हिल नहीं रहा है। तो इसमें नॉइज़ वगैरह कुछ आने का चांसेस नहीं है। और जो इसका ये जो 3.5 mm का जो जैक है वो मैं इस साइड ऐसे निकालने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा जो GoPro है, GoPro का मीडिया मोड का जो ये आता है सेटअप, यहाँ पे आता है। तो बस इतना एक्स्ट्रा वायर मैं निकाल के इधर ऐसे यहाँ पर से सेटअप कर दूँगा ऐसे करके, ताकि ये डायरेक्ट मेरे GoPro में ऐसे फिट हो जाए और एकदम नीट एंड क्लीन हमारा सेटअप लगे। तो ये वाला लास्ट सेटिंग मैं करने वाला हूँ, उसके बाद फिर जो मोटो ब्लॉग आपको मिलेगा गाइस वो अपने इस माइक से ही होगा। तो गाइस अब मैं आपको दिखा दूँ ये चीज़, आपको कोई भी ऐसा नहीं बता सकता कि इसके ऊपर कोई माइक वगैरह का सेटअप है। आप देख सकते हो क्या क्लीन सेटअप हमारा हुआ है, यहाँ पे भी कोई वायर नहीं आ रहा। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा एक छोटा सा वायर का पार्ट दिख रहा है, जो कि उतना भाई कोई देखने वाला नहीं है। और इसके अंदर देख सकते हो वायर वगैरह गई है, और नीचे का पैडिंग वगैरह में भी देख सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, हमने इसके पीछे में वायर लगाया हुआ है। बस ये जो है एक पार्ट, ये मैं हमेशा इधर ही डाल देता हूँ ऐसे, जब मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ तब। ये देख सकते हो यहाँ पे एयर मैच दिया गया, ताकि ये मतलब हर हेलमेट में नहीं आता, ये अच्छा है कि मेरे में दिया गया, ताकि इसमें विंड नॉइज़ ना आए अंदर तक। देख सकते हो आगे से इसका मेरा व्यू,
और साइड से गाइस एकदम काफ़ी अच्छा हो गया। अभी मैं आपको अपना गोप्रो इसके ऊपर लगा के बस इधर का ही ऐसा थोड़ा ब्लॉक करके दिखाता हूँ, इसका ऑडियो वगैरह सब सुना देता हूँ, क्योंकि यार अभी बज रहे हैं 3 और 3 बजे मैं राइडिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा धूप है, अभी गर्मी है। तो चलो गाइस मैं अभी जस्ट इसमें अपना सेटअप करता हूँ गोप्रो का और मैं आपको दिखा देता हूँ, और ऑडियो भी भाई इसका मैं सुना देता हूँ आपको कैसा इसका ऑडियो आने वाला है इस माइक के साथ। ये गाइस देखो ये मेरा गोप्रो इसके ऊपर सेट हो चुका है मीडियम मोड के साथ। थोड़ा गोप्रो अभी गंदा है क्योंकि यार मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले राइड करके आया हूँ, तो अभी क्लीन नहीं किया हूँ मैंने उसको। ये देखो ये आ गया हमारा 3.5mm का जैक। इसका जैक का क्वालिटी भी गाइस काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो पूरा कॉपर टाइप का कलर एकदम। बस ये जस्ट आपको सिंपली ऐसे खोलना है और ऐसे एक हाथ से ही गाइस कर सकते हो, कुछ नहीं है, सिंपल ईजी है एकदम। ये देखो चला गया इसके अंदर, और ये जो कंट्रोलर है गाइस इसका, ये आपको कैमरा में ऑन करके रखना है तभी ये कैमरा में यूज़ कर सकते हो, ऑफ़ में आप स्मार्टफोन पे यूज़ कर सकते हो लेकिन ये आपको ऑन ही करके रखना है। तो चलो आप स्विच करते हैं डायरेक्ट GoPro के ऊपर। सो गाइस अभी देख लो मैं GoPro के ऊपर आ चुका हूँ और ऑडियो वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है, मैं सामने में आकर डिटेल ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि यार मतलब उस साइड तो AC चल रहा है तो उसके कारण थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ सकती है। देख लो गाइस ये सामने में हो सकता है TV में आपको दिख भी रहा होगा GoPro का मेरा सेटअप। तो गाइस ये देख लो मतलब पूरा ऑडियो सिस्टम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वाइड एंगल तो आ ही रहा भाई, वो सब तो GoPro में आपको सोचना नहीं है। मैं हेलमेट पहना हूँ तो कोई तरह का इरीटेशन वगैरह भी नहीं हो रहा है मुझे। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना गाइस, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। Should I not?